नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, यानी कि निपमेट ने अपना जो एग्जाम अपडेट है उसके लिए जो आज मीटिंग हुई है उसमें क्या कहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, बैच 2021-23 के स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है, तो दोस्तों कब तक आपके एग्जाम्स होंगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से महीने आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, यानी कि उन महीनों में आपका एग्जाम बिल्कुल और बिल्कुल होगा, क्योंकि आज निपमेट और जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी हैं, जहां पर डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि आईडीडी, सीपी और एमडी चलाया जाता है, कोर्स संचालित किया जाता है, तो इनके साथ में आज थी मीटिंग दोपहर 11 बजे के करीब में। वहां से क्या कुछ अपडेट निकल के आई है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और जितने भी लोग हैं एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपका कब होगा, आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, और मैं जब भी बताता था तो मैं भी ये भी बताता कि सर आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है नवंबर के करीब में होगा, ये मैं आपको हमेशा बताता था। लेकिन आज की जो अपडेट है, निपमेट ने सभी इंस्टीट्यूट को एक गूगल फॉर्म भरने को दिया था, जिसमें इंस्टीट्यूट से थोड़ी जानकारियां मांगी गई थी, और जिसमें से आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट था वो कुछ इस प्रकार से था कि इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरनल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा और कब आपका एक्सटर्नल का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, साथ ही साथ कब आप चाहते हैं कि आपका थ्योरी एग्ज़ाम हो, यानी कि एक्सटर्नल थ्योरी एग्ज़ाम किस महीने में हो, ये आप किस महीने में चाहते हैं। तो दोस्तों दिसंबर का महीना दिया गया, जनवरी का महीना दिया गया, फरवरी और मार्च, यानी कि नवंबर में आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बोला जा रहा है कि आप इन किसी महीने से आप बताइए किस महीने में आप एग्ज़ाम चाहते हैं, क्योंकि मीटिंग थी कॉलेज और निपमेट के बीच की, तो कॉलेज से ये सभी चीज़ें मांगी गई हैं कि आप किस महीने में चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम कराया जाए। ज़्यादातर जो कॉलेजेस थे वो अगर मीटिंग में भी बोल रहे थे, जो कॉलेज के हेड थे, तो वो दिसंबर महीने के लिए बोल रहे थे, और अब हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी, ये दो महीने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, तो दिसंबर जनवरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फरवरी मार्च यानी कि ये चार महीने ही हैं आपके साथ में जिनमें एग्ज़ाम कभी ना कभी होगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके दो महीने दिसंबर और जनवरी का महीना, इनमें आपके एग्जाम होने के 100% चांस हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं यहां पर जुड़े हुए हैं, इनके अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात कर लूं, एग्जाम सेंटर की, तो वहां पर एग्जाम सेंटर के बारे में कहा गया कि जो जामिया मियां इस्लामिया कॉलेज है, जामिया मियां इस्लामिया, लगभग दिल्ली के सभी सेंटर्स इस बार वहीं जाएंगे, लगभग दिल्ली के सभी सेंटर्स इस बार वहीं जाएंगे जामिया मियां इस्लामिया में। दिल्ली से दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये कि दिल्ली के सभी सेंटर्स जामिया मियां इस्लामिया में जाएंगे, ऐसी बात वहां पर चल रही थी, और बहुत सारे पेपर जो हैं वो जामिया मियां इस्लामिया कंडक्ट करा रहा है। तो ये मान के चलिए कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा सेंटर जहाँ पर आपको हिलने की भी कोशिश नहीं करनी है कि आप हिल भी सकोगे। बाकी सेंटर्स जो हैं अब की बार में थोड़ा हाई लेवल के लगाए जाएंगे, जहां पर बहुत कम संभावनाएं बनेंगी कि आप लोग कुछ कर सके, यानी कि सेंटर्स पर भी बहुत ही अच्छे से निगाह रखी जा रही है, बहुत ही अच्छे से नज़रें उन्होंने रख ली हैं,
तो पढ़ाई अगर आप नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे। दिसंबर और जनवरी का ऐसा महीना जहां पर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए दिसंबर तक। जैसे ही जानकारी मिलती है आपके एग्जामिनेशन की शेड्यूल की कि कब से कब तक आपके कौन कौन से पेपर्स होंगे, एक्सटर्नल जो आपका प्रैक्टिकल है वो कब होगा, तो जानकारी आपको दे दी जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा इस बार पेपर जो हैं वो सख्ती से होने वाले हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पेपर पर बहुत सारी चर्चा हुई, जो मेन चर्चा निकल के आई वो यही थी आपकी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक, और जो आपका ये दिल्ली वाला सेंटर रहेगा स्टूडेंट्स का वो कहाँ जाएगा। इसके अलावा जितने भी सेंटर्स बनेंगे वे सभी हाई लेवल के ही बनेंगे। तो अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है आपको साझा की जाएगी, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।